हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशिए से जैकेट बनाने की एक खूबसूरत और आसान डिज़ाइन, सिर्फ एक लाइन की डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा पैटर्न बनेगा जो सबको बहुत पसंद आएगा। अब इसे शॉल स्टॉल भी बना सकती हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए 8 के मल्टीपल में चेन लेनी है और 5 चेन एक्स्ट्रा, और मैंने सबके ऊपर ऐसे बना लिया। तो 8 × 24 और 5 × 29, 29 चैन लिए और सबके ऊपर ये बना लिया है, बेस रो में बनाई है। अब देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3, 3 चैन। ध्यान से देखिएगा, यही रो आपको बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, ठीक है, फिर एक चैन, और फिर इसी में हम एक और बनाएंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और 2 चेन बनाएंगे और फिर एक और चेन इसमें लास्ट में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस डिज़ाइन को फ्रॉक के घेर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक और डबल क्रोशिया, देखिए, ठीक है। फिर वापस से 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से देखिए, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4, 4 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन और फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, ये एक डबल क्रोशिया और ये चैन है, तो इसमें हम इसको बनाएंगे, ये देखिए, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनी। अब यही रो रिपीट करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3, 3 चैन बनाए हमने। फिर 3 चैन के बाद देखिए, यहाँ पे इसके स्पेस में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, फिर एक चैन और फिर वापस से इसी में एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। देखिए, हमने सेम डिज़ाइन बनाई वही। फिर उसके बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ पर आ गए हम सीधे इसमें, ये इसमें कहीं नहीं बनाना, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 के बाद 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये जो अब हमने दूसरी बार जो लाइन बनाई है, दूसरी वाली, इसी रो को आपको बार बार बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के बाद इसमें थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बना के देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग बताती हूँ आपको। देखिए, 1 2 3, 3 चैन। अब ये जो वी स्टिच है, इसके अंदर हम वी स्टिच बनाएंगे, देखिए, ये जो है इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर देखिए, इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया, फिर ये डिज़ाइन। तो ऐसे ही आपको ये डिज़ाइन बनानी है, थोड़ी सी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनने के बाद हर डिज़ाइन इस तरह से लगती है, देखिए, लग रही ना प्रिटी। और सिर्फ एक लाइन की, इतनी जल्दी बन जाती है, बहुत ही फटाफट ये तैयार होती है। तो अगर आपको ज़्यादा कठिन डिज़ाइन बनाने में आलस आता, तो ये डिज़ाइन बनाइए, ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, कार्डिगन में बहुत प्यारी लगती है और बहुत आसानी से इसका कार्डिगन बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में फ्रॉक की घेर बनाने की टिप बताऊंगी। तो देखिए, आपको फ्रॉक की घेर बनानी है, तो स्टार्टिंग देखिए,
तीन लाइन, एक दो तीन लाइन आप सेम बनाए, चार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर उसका चौथी लाइन से पांच डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर तीन लाइन, जैसे तीन लाइन की ये बनाई अपने, फिर तीन लाइन की जब आप बनाएंगे तो पांच डबल क्रोशिया प्लस वन, फिर उसका छह डबल क्रोशिया प्लस वन। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप हर लाइन में भी बढ़ा सकते हैं, मगर लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए, ये डबल क्रोशिया हो जाता है, तो तीन लाइन का गैपिंग रखिए। तो बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दो दो लाइन का गैपिंग रखिए, जैसे चार डबल क्रोशिया प्लस वन, फोर डबल क्रोशिया प्लस वन, दो लाइन हो गए, फिर फाइव डबल क्रोशिया प्लस वन, फाइव डबल क्रोशिया प्लस वन। तो ऐसे आप फ्रॉक की खूबसूरत घेर भी बना सकते हैं। मैं इस डिज़ाइन में एक प्यारा सा कार्डिगन बना रही हूँ, जैकेट बना रही हूँ, तो उसकी वीडियो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, आधा पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपलोड कर दूँगी, फिर हम इसे दो तीन पार्ट में बनाना सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।